हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्कूल आवंटन के नियमावली में संशोधन का किया आग्रह। शिक्षक नेता आनंद पुष्कर ने शिक्षा मंत्री को भेजा पत्र। मानवीय आधार पर विशिष्ट शिक्षक नियमावली में आंशिक संशोधन का आग्रह। शिक्षक नेता आनंद पुष्कर ने शिक्षा मंत्री को पत्र भेजकर सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों के लिए जिला व विद्यालय आवंटन में मानवीय आधार पर विचारों उपरांत विशिष्ट शिक्षक नियमावली में आंशिक संशोधन का आग्रह किया है। शिक्षक नेता ने पत्र में कहा है कि सक्षमता परीक्षा में सफल शिक्षकों के जिला व विद्यालय अलॉटमेंट के पूर्व मानवीय पहलू के कुछ एक बिंदुओं पर विचार करना न्यायोचित होगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शिक्षकों का मनोबल ऊंचा रखने व उनका उत्साह वर्धन करने को सदैव तत्पर राज्य सरकार को इसी कड़ी में उनके कुछ एक समस्याओं के निराकरण को भवदीय स्तर पर सकारात्मक पहल की नितांत आवश्यकता है, ताकि निर्विघ्नता व सुगमतापूर्वक विद्यालयों में वे अपना 100% योगदान दे सकें। विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण पूर्व से कार्यरत नियोजित शिक्षकों का च्वाइस वेस्ट जिला व विद्यालय अलॉटमेंट के कुछ एक बिंदुओं का आधार बनाया जाना नैसर्गिक न्याय होगा। इसमें खासकर दिव्यांगता को का आधार, पति पत्नी के शिक्षक शिक्षिका होने का आधार, शिक्षकों के बीमार आश्रितों की देखभाल का आधार, ऐसे शिक्षिका के पति अथवा शिक्षा की पत्नी के सेना में कार्यरत होने की स्थिति में इनके आश्रितों को देखभाल का आधार अथवा अन्य कोई न्यायोचित व समुचित आधार पर विचार करना न्यायोचित लग रहा है। तो इसमें जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली है उसमें आंशिक संशोधन की मांग की गई है, जिसमें जैसे कोई पति पत्नी शिक्षक शिक्षिका है तो उनको आधार मानकर, शिक्षकों के बीमार के आश्रितों का देखभाल को आधार मानकर, या फिर शिक्षिका के पति अथवा शिक्षक की पत्नी का सेना में कार्यरत होने की स्थिति में उनके जो आश्रित हैं उनके देखभाल का आधार मानकर आंशिक संशोधन करने की जो है वो मांग की गई है। तो आगे देखते हैं क्या होता है, आगे जो भी अपडेट आएगा उससे मैं आप लोगों को अपडेट करूंगी। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।